वहीं युवा मंत्री संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने पर निर्देश दिए हैं। वहीं अध्यापकों के लिए ड्रेस कोड को भी सही बताया और कहा इससे शिष्टाचार बढ़ेगा। इसी के साथ संदीप सिंह ने शिक्षा में योग को शामिल करने की बात भी कही है। युवा मंत्री संदीप सिंह जी हैं। संदीप सिंह जी, जिस तरह से टेक्निकल जॉब का अभाव है, क्या प्लान है इसके लिए? अभी कड़े निर्देश दिए गए। पहले तो हमको टेक्निकली हमारी यूनिवर्सिटी जो है उनकी हालत ही इतनी जर्जर है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कड़े निर्देश दिए हैं। और इसके लिए जो भी नए नियम बनाए जाएँ, वो भी सभी लोगों को निर्देश दिए गए कि सभी अपने क्या स्कूल एंड कॉलेजेस को जो भी इम्प्रूव करने के लिए हम कड़े से कड़े कदम उठा सकते हैं, वो हमको समीक्षा बैठक में क्या क्या मेन निर्णय लिए गए। समीक्षा बैठक में केवल यही जो हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो हम लोगों ने वादे करे हैं उनको जल्दी से जल्दी हम पूरा करें। सभी कॉलेजेस और स्कूल्स को वाईफाई से लेस, सभी कॉलेजेस को वाईफाई से लेस करें और सभी स्टूडेंट्स को, जैसे कि हमने वादा किया था कि 1 GB डेटा फ्री दिया जाएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने कड़े निर्देश दिए हैं कि टेक्निकल और बीटेक और एमबीए एक ऐसा एजुकेशन माना जाता है जो मॉडर्न कल्चर में होता है। वहाँ पे आपने टीचरों को एक निर्देश दे दिया है कि साड़ी में आना है, जींस टी शर्ट में आना है, उसके बारे में इसमें आप साड़ी में आना है, जींस टी शर्ट में आना है, एक आप स्कूल जाते हैं पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो एक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए केवल ये बोला गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि साड़ी और जींस टी शर्ट को आप बैकवर्ड ड्रेस मानते हैं। हमारे इंडियन कल्चर का इंडियन अटायर की ड्रेस है वो, तो साड़ी कल्चर में साड़ी में अगर आप सलवार सूट में अगर आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो केवल एक इंस्टीट्यूट का डेकोरम मेंटेन होता है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और वो टीचर के लिए भी अच्छा होता है। योगा कंपलसरी करेंगे जी? बिल्कुल, योगा को कंपलसरी करने के लिए हम लोगों ने सोचा है। और मैं नहीं मानता हूँ कि, मैं समझता हूँ कि योगा को कंपलसरी करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। योगा हमारे देश की परंपरा है, बहुत पुराने समय से चलता चला जा रहा है, और योगा को करने से हमारे पास फायदे ही हैं, कोई नुकसान तो मुझे नहीं लगता कोई भी है।